दीपिका कक्कड़ जब से टीवी छोड़ यूट्यूब को अपनाया है तब से उनके ननद भी यूट्यूब पर छाई रहती हैं। अब दीपिका तो इन दिनों मदरहुड इंजॉय कर रही हैं क्योंकि वो हाल ही में एक बेटी की माँ बनी हैं और फैमिली के साथ अच्छा खासा टाइम भी स्पेंड कर रही हैं। दीपिका और बेबी के बारे में उनके पति शोएब और उनकी ननद सबा सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते रहते हैं। अब सबा एक यूट्यूबर है और आए दिन ब्लॉग शेयर करती रहती हैं। सबा शादी के बाद मुंबई छोड़कर पति के साथ मौदहा शिफ्ट हो गई। अब सबा के पति ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उन्हें दगाबाज कह रहे हैं। आखिर सबा के पति उन्हें दगाबाज क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ अंकिता और आप देख रहे हैं जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सबा ने नवंबर 2022 में खालिद नियाज से शादी रचाई थी। शादी के बाद कुछ समय तक वो मुंबई में रही और अब आलिशान जिंदगी छोड़कर मौदहा चली गई। वैसे सबा अपने पति खालिद के साथ मुंबई यानी कि अपने मायके आती जाती रहती है। अब वो अपने भाई भाभी और भतीजे के साथ समय बिताने के लिए मुंबई आई हुई हैं और वो फिलहाल दीपिका शोएब के साथ कुछ दिनों से मुंबई में ही हैं। अब सबा के पति खालिद ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो गाना गा रहे हैं, बड़े जख्म सीने पर खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले। पति के गाने को सबा खुद इंजॉय कर रही हैं और ये वीडियो उन्होंने खुद रिकॉर्ड भी किया है। जैसे ही खालिद को पता चलता है कि सबा उनकी वीडियो बना रही हैं, वो गाते हुए रुक जाते हैं और हंसने लगते हैं। अब जबकि सबा मायके में है तब उनके पति का अपने इंस्टा पर ऐसी स्टोरी शेयर करना ये बयां कर रहा है कि सबा को उनके मियाँ जी मिस कर रहे हैं। वेल, आपको कैसी लगती है इन दोनों की जोड़ी कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और भी एंटरटेनमेंट की ऐसी ही चटपटी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जेबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।